Hello, my dear students and friends. Good morning, all of you. मैं राजेश्वर साहब ने विद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ. बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पांच अक्षर वाले शब्द, पांच अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे. आइए हम लोग पांच अक्षरों के मेल से बने शब्दों को पढ़ते हैं. ध्यान से देखेंगे आप लोग. मैं एक उदाहरण ले रहा हूं. नंबर एक में हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा. ये मैंने पहला अक्षर लिखा ज, और ये मैंने दूसरा अक्षर लिखा अंतर से य, फिर ये तीसरा अक्षर मैंने लिखा न, फिर ये चौथा अक्षर मैंने लिखा ग, और ये पांचवा अक्षर मैंने लिखा र. एक, दो, तीन, चार, पांच अक्षर हुए. अब इन पांच अक्षरों के मेल से जो शब्द बनेगा, उस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, आइए देखते हैं कैसे पढ़ना है. ध्यान देंगे बच्चों, ये जो दो अक्षर आप लोग देख रहे हैं, इन दो अक्षर को सबसे पहले आप लोग जोड़ेंगे. ये दोनों अक्षरों को हम लोग जोड़ लेंगे. ये ज और अंतर से य, ये जय हो गया. क्या हो गया? जय. क्या हो गया? जय. और फिर जोड़, उसके बाद इन तीनों अक्षरों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे. इन तीनों अक्षरों को हम लोग जोड़ेंगे. न, ग, र. ये तीन अक्षर वाला शब्द क्या बन गया? नगर. ये दो अक्षर वाला शब्द बन गया जय, और ये तीन अक्षर वाला शब्द बन गया नगर. जय नगर. अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे. इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, जय और ये नगर. नगर, नगर. और इस तरह से हमारा पांच अक्षर का शब्द बन के तैयार हो गया जय नगर. क्या बन गया बच्चों? जय नगर. आइए इसी को हम लोग एक दूसरा उदाहरण के द्वारा समझते हैं, इसे साफ करते हैं. दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, फिर एक उदाहरण ले रहे हैं नंबर टू में. आप लोग ध्यान से देखेंगे. ये मैंने पहला अक्षर लिया ध, जोड़ र, जोड़ प, प, जोड़ क, जोड़ र. एक, दो, तीन, चार, पांच अक्षर. फिर पांच अक्षर से बनने वाले शब्दों का उच्चारण, और इसको हम लोग उच्चारण कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये देखना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग दो अक्षरों को जोड़ेंगे. ये ध, र, धर. क्या हो गया बच्चों? ध, र, धर. क्या हो गया? ध, र, धर. फिर जोड़, और ये तीनों अक्षरों को फिर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, है ना. ये तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे. प, क, र. क्या हो जाएगा? प, क, र, पकड़. क्या हो जाएगा बच्चों? प, कड़.
और ये हो गया पकड़ पकड़। अब इन दोनों शब्दों को, दो अक्षर वाले शब्द धर और तीन अक्षर वाले शब्द पकड़, धर पकड़ दोनों को मिला देंगे और ये हमारा पांच अक्षर वाला शब्द तैयार हो गया, धर पकड़। क्या तैयार हो गया? धर पकड़, धरा धर, पकड़ा पकड़, धर पकड़। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। फिर एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, तीसरा उदाहरण एक और लेते हैं। ये आप लोग देखेंगे, मैं तीसरा उदाहरण लेने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। ये मैंने पहला अक्षर लिया ह जोड़, दूसरा अक्षर लिया र जोड़, तीसरा अक्षर मैंने लिया भ जोड़, चौथा अक्षर लिया ज जोड़, और ये पांचवा अक्षर लिया न। एक दो तीन चार पांच अक्षर हो गए। पांच अक्षर से जो शब्द बनेगा उसका उच्चारण कैसे करना है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जी बिल्कुल सही सोचे हैं आप लोग कि इन दोनों अक्षरों को जोड़ेंगे। ये दो अक्षर मेरा क्या बन जाएगा? हर हर। क्या बन जाएगा? हर हर। और फिर हम लोग इन तीनों अक्षरों को मिलाने का काम करेंगे, ठीक है? भजन भजन, भ ज न भजन। अब क्या करना है बच्चों? अब जो है सो हम लोग ये दो अक्षर वाला शब्द हर और तीन अक्षर वाला शब्द भजन, हर भजन, इन दोनों शब्दों को मिलाएंगे, हर को मिलाएंगे और भजन को मिलाएंगे, और ये मेरा शब्द जो है सो पांच अक्षर वाला बन के तैयार हो जाएगा। क्या होगा? पहले हर हर हर, फिर भजन भ ज न भजन। क्या बन गया बच्चों? हर भजन। पांचवा अक्षर जब मिला और शब्द तैयार हुआ तो क्या हो गया? हर भजन। क्या हो गया बच्चों? हर भजन। देखिए एक बार, ह र हर भजन भजन हर भजन। इस तरह से हमारा पांच अक्षर वाला शब्द बन के तैयार हो गया, हर भजन। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और ये हम लोग का जो है सो चौथा उदाहरण रहेगा। देखते हैं चौथा उदाहरण। देखिए ये चौथा उदाहरण हम लोग का है, मैंने पहला अक्षर लिया द जोड़, दूसरा अक्षर लिया ल जोड़, तीसरा अक्षर हमने लिया ब जोड़, ये चौथा अक्षर लिया द जोड़, और ये पांचवा अक्षर लिया ल। द ल ब द ल, एक दो तीन चार पांच अक्षर। अब इस पांच अक्षर वाला जो शब्द तैयार होगा इसका उच्चारण कैसे करना है? तो हम लोग सबसे पहले दो अक्षरों को मिलाने का काम करते हैं। ये मेरा दो अक्षर वाला शब्द यहां तैयार हो जाएगा, द ल दल। क्या हो जाएगा बच्चों? द ल दल। फिर हम लोग जोड़ेंगे, इन तीनों अक्षरों को जोड़ेंगे, ब द ल बदल, ब द ल बदल। क्या बन जाएगा बच्चों? ब द
क्या बन गया? बदल बदल। अब क्या करेंगे, दो अक्षर वाला शब्द दल और तीन अक्षर वाला शब्द बदल, दोनों को हम लोग मिलाएंगे, ये दोनों को मिलाएंगे, ये दल बदल और पांच अक्षर वाला शब्द तैयार हो जाएगा दल बदल। क्या तैयार हो गया बच्चों? ये पांचवा अक्षर वाला शब्द तैयार हो गया दल बदल। तो इस तरह से पांच अक्षर वाले जो शब्द हैं उसका उच्चारण आप लोग करेंगे, पहले दो अक्षर को जोड़ेंगे फिर बाद वाले तीन अक्षर को जोड़ेंगे, और इस तरह से दो अक्षर वाले शब्द और तीन अक्षर वाले शब्दों को मिलाएंगे और पांच अक्षर वाला शब्द हमारा तैयार हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी पढ़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद बच्चों।